बात करें, हाँ। ये मात्र 75 रुपए का है। 65 में मिलेगा, ये भी 99 में ही जाएगा। क्या है जी? ये हमारा 65 रुपए का है। 65 का जी। और ये बिकेगा कितने में? ये 99 में। 99 जैसे ये हमारे पास 80 रुपए का रेंज का है। अच्छा, इस रैक पे जैसे जो भी लगा हुआ है लगभग हम लोग 80 का रेंज का लेकर के चल रहे हैं। अच्छा, हम 50,000 का ही माल दे रहे हैं और उनका मान के चलिए अभी कल ही ओपनिंग है, हो सके कल इनका पूरा सेल हो जाए या परसों हो जाए, तो फिर तो रिपीट हमारे पास ही ऑर्डर आना है। तो हम किसी पे तोपने का कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आप हमसे 2 लाख का 3 लाख का लेके चले जाइए और जाके आप भी। तो अगर वो कैटेगरिया वाइज बात करेंगे तो हम लोग 700+ चले जाएंगे। अच्छा। लेकिन ऐसे मेन प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो 400 के आसपास हमारा आ रहा है। अगर बिजनेस के लिए कर रहे हैं इधर उधर कॉल तो पहुंच जाइए जूनियर मॉल। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं बीके सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने योर वॉइस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। और दोस्तों, 1 महीने पहले हमने यहां से एक वीडियो शूट किया था जूनियर मॉल का। वापस सिर्फ 1 महीने बाद हमको क्यों आना पड़ा इस जूनियर मॉल में, उसकी जानकारी के लिए हम मधुब जी से मिलाएंगे और पूरी जानकारी लेंगे कि मात्र 1 महीने बाद हमको यहाँ पे क्यों आना पड़ा। मधुब जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैं ये पूछना चाहूँगा कि मात्र 1 महीने बाद हमको क्यों आपने बुलाया और क्यों आना पड़ा? सर, जैसा कि पिछले बार जब आप आए थे जी, तो हमारा स्टार्टिंग था जी। ये हमने पहले भी देखा, कुछ माल स्टॉक कम था, कुछ हमारे पास चीज जो थे अंडर ट्रांसपोर्ट थे, अब वो माल हमारे पास आ चुका है जी। और अभी हमारा फ्रेंचाइजी भी बढ़ा हुआ है तो कुछ नए नए वैरायटी आए हैं, जैसे बहुत सारे रेंज में नए नए प्रोडक्ट आए हैं, तो इसको लेकर के चूँकि कस्टमर को पता चल सके कि हमारे पास क्या नया आया है, क्या हमने चेंज किया है, पहले के अपेक्षा क्या हमने बदलाव किया है। कुछ लोग जो बोल रहे थे कि कुछ ऐसे हमारे जो फ्रेंचाइजी थे उनका कहना था काम को बंद करके ये चालू कर दीजिए, तो उनके बातों को मानते हुए उसका डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि क्या हमको हमने माइनस किया और क्या प्लस किया इसके अंदर। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, एक शब्द कहते हैं सजेशन इसे गिफ्ट कैच इट, या कहते हैं कंप्लेन इसे गिफ्ट कैच इट। इसका मतलब ये होता है कि जो कंप्लेन किसी कस्टमर ने किया, किसी शॉपकीपर ने किया, उसके उस रिव्यू को या उसके फीडबैक को लेने के बाद उसको कैसे फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करें, कैसे हमारे सिस्टम को, कैसे स्ट्रेटेजी को आप चेंज करें जिससे कि हमारे जो शॉपकीपर हैं या 99 स्टोर जिसने खोल रखा उसको कैसे बेनिफिट हो, या एंड कंज्यूमर जो है, एंड कस्टमर जो है, जो ले इनसे प्रोडक्ट ले रहे हैं वो कैसे बेनिफिट ले पाएं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, आप किसी भी बिजनेस को करेंगे तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है कि अपने फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में कंपेयर करें या उसको चेंज करें। तो अभी बताइए कि क्या दिखाने वाले हैं। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि सामान भी आपके पास अभी काफ़ी दिख रहा है, और मैं दिखाऊं चाहूंगा कि मेरे साथी छायाकार ये दिखाएं, ये पिकअप विकअप भी आ गई है, उधर ऑटो भी लगा हुआ है। कितना एक्सपेंशन किया है आपने इन 1 महीनों में? अभी जैसे हम लोग जब पिछले बार थे तो हमारे पास बहुत कम मात्रा में फ्रेंचाइजी था जी। अभी हमारा 7-8 फ्रेंचाइजी और प्लस हुए हैं जी। कुछ प्रोडक्ट भी हम लोगों ने प्लस किया है। अच्छा। अब जैसे अभी आप आए हैं तो पहले हम लोग गोडाउन वगैरह देख लेते हैं, सैंपल तो देखेंगे ही हम लोग ऊपर चल के। तो पिछले बार जब आए थे तो आप यहीं से देख रहे थे तो खाली हमारा गोडाउन दिख रहा था। अभी हमारा बहुत सारा प्रोडक्ट जो हमने पिछले बार बोला था वो सारा प्रोडक्ट पहुँच चुका है, पहले ही आ गया था, चूँकि वीडियो हम लोग बाद में कर रहे हैं तो वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे और जो नया प्रोडक्ट होगा उसका जानकारी भी हम लोग देंगे। मधुब जी, आपने पिछले बार हमको बताया था कि हमारे पास शायद 374 के करीब प्रोडक्ट हैं, अभी आपके पास कितने प्रोडक्ट हैं और हम चाहेंगे कि थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को दिखाइए भी। देखिए, हम लोगों ने प्रोडक्ट में तो बहुत ज़्यादा रेंज नहीं बढ़ाया है, अभी 400 के आसपास ही किया है। हाँ। लेकिन हर प्रोडक्ट में अलग अलग कैटेगरिया आ गया। अच्छा। एक ही प्रोडक्ट में 7-8 तरह का कैटेगरिया है। अच्छा। जैसे मान लीजिए क्रॉकरी ही है तो हम लोग क्रॉकरी एक ही मान के चल रहे, लेकिन वेराइटी उसके अंदर 10-12 हो गया। अच्छा। चप्पल का आइटम है तो हम लोग तो कहेंगे ही उसको चप्पल ही, या हाँ। तो सैंडल बोले या स्लीपर बोले, हाँ। लेकिन उसके अंदर हमने अलग अलग तरह के, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग क्वालिटी में कैटेगरिया बढ़ा दिया। बर्तन था तो बर्तन में हम लोग बेसिक ही लेकर के चल रहे थे, इस बार हम लोगों ने कुछ कुछ उसके अंदर नया ऐड किया है। तो अगर वो कैटेगरिया वाइज बात करेंगे तो हम लोग 700+ चले जाएंगे। अच्छा। लेकिन ऐसे मेन प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो 400 के आसपास हमारा आ रहा है। गाइस, अभी चलते हैं इनके स्टोर को भी देखते हैं, थोड़ा खाली था आज भरा हुआ है। ये हमारा ऐड हुआ, प्लस हुआ। अच्छा। फिर आपका इसके अंदर प्रॉमिस है, ये अलग ऐड हुआ है। अच्छा। ये हमारा एक फ्लोरिना करके आता है, ये ऐड हुआ है। ये क्या सीनरी है? क्या सीनरी नहीं है, ये बॉल है। अच्छा। 8 पीसों का इस टाइप का। अच्छा। फिर इसके अलावा और भी जैसे पिक्चर जग वगैरह अपना पिछले बार हम लोग देख रहे थे कि पिछले बार भी हमारे पास था। हाँ। इस बार भी है। हाँ। और इस तरीका से मान के चलिए अभी जीवा का, पहले पिछले बार भी हम लोग बात किए थे कि Hero 2 हमारा सबसे ज़्यादा चलने वाला प्रोडक्ट है, वो भी अभी हमारे पास है। अच्छा। इस तरीका से अभी नया, ये पिछले बार भी ये डब्बा हमारे पास था जो। अच्छा। इस बार भी है। अच्छा। ठीक है, इस तरीका से बहुत सारा आइटम जो है बढ़ा है
अब जैसे प्लास्टिक में हम लोग बात करें, पाटा वगैरह रखा हुआ है, तो पाटा में पिछले बार हमारे पास एक या दो रेंज था, अभी हमारे पास चार तरह का रेंज इसके अंदर आ गया है। अच्छा, तो मैं चाहूंगा कि एक बार सैंपल हाउस में दिखाएंगे तो इजीली हम देख पाएंगे कि कौन कौन सा प्रोडक्ट है और कितना है, क्योंकि यहाँ तो गोडाउन है, आप गोडाउन को दिखाना चाहें कस्टमर के लिए तो दिखला दीजिए, उसके बाद हम लोग सैंपल में वन बाई वन करके जितना हो सकता है हम वीडियो में दिखाने की कोशिश। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे ये स्टोर है, और स्टोर आप देख लीजिए आराम से, पूरा बिल्डिंग भी है। लास्ट टाइम हम लोग जब आए थे यहाँ पे तो कोई पिकअप नहीं था, कोई ऑटो नहीं था, पिकअप से भी माल जा रहा है, ऑटो से भी माल जा रहा है, साथ में गोडाउन भी भरा भरा सा लग रहा है। और जैसा कि ये बता रहे हैं कि चार कट्ठे का एक और गोडाउन इन्होंने ले लिया है, तो डे बाय डे ये भी इम्प्रूव कर रहे हैं, इनकी फ्रेंचाइजियाँ भी बढ़ रही है। और आपको ये बात बताना चाहूँगा कि इसके बाद इनके हम एक फ्रेंचाइजी भी विजिट करेंगे, एक से दो फ्रेंचाइजी, जहाँ से कि हम बता पाएँ सही ढंग से कि फ्रेंचाइजी खुश है कि नहीं, फ्रेंचाइजी को कितना बेनिफिट मिल रहा है, कितना कमा पा रहे हैं, इनका बिहेवियर कैसा है अपने फ्रेंचाइजी के साथ, क्योंकि फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, तभी फ्रेंचाइजी भी ग्रो करता है, तभी फ्रेंचाइजर भी ग्रो करता है। तो उसके लिए हम वहाँ पे भी पहुंचे, जो कुछ प्रोडक्ट नए ऐड हुए हैं उसको भी देखेंगे और आगे जानकारी भी लेंगे। और ये भी दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए यहाँ पे कहाँ जाने के लिए है, मसौढ़ी जाने के लिए है, नया ही फ्रेंचाइजी हुआ है। अच्छा, कल से, कल इनका ओपनिंग है। अच्छा, आज कुछ माल जा रहा है, बाकी कल भी कुछ माल गया था, चूंकि ट्रांसपोर्ट में जो नया माल आया है वो आज जा रहा है, बाकी इनका एक गाड़ी कल भी माल जा चुका है। तो गाइस ये देखिए एक नया फ्रेंचाइजी जो ओपनिंग हो रहा है उसके लिए माल जा रहा है यहाँ से। और मैंने अपने साथी सहकार से बोलूंगा कि थोड़ा सा ये थोड़ा सा दिखा दीजिए कि क्या क्या इनमें प्रोडक्ट जा रहा है, और कैसे आप अगर फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपके पास इनका माल कैसे पहुँचेगा, किस तरीके से पहुँचेगा, सारा डिटेल हम आपको देते रहेंगे। ये देखिए ये जो है एक पिकअप वैन है, यहाँ से मसौढ़ी जिन्होंने फ्रेंचाइजी लिया है उनके पास ये पूरा प्रोडक्ट जा रहा है। तो लगभग कितने का प्रोडक्ट होगा इसके अंदर? तो अभी मान के चलिए 35 से 40,000 का ये प्रोडक्ट जा रहा है जी। देखिए हमारा क्या है कि हम लोग ये फाउंडेशन शुरू से बोलते आ रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा 1.5 लाख मिनिमम पैकेज है, लेकिन किन्हीं को भी अगर किसी तरीका कोई दिक्कत आ रहा है या स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो कम रेंज से भी हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। है क्या कि अगर मान के चलिए हम आपसे 1.5 लाख का पहला बार में माल बेच दें, लेकिन आपका सेल ही नहीं होगा तो आप हमसे दोबारा परचेज ही नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम 50,000 का ही माल दे रहे हैं और उनका मान के चलिए अभी कल ही ओपनिंग है, हो सके कल इनका पूरा सेल हो जाए या परसों हो जाए, तो फिर तो रिपीट हमारे पास ही ऑर्डर आना है। तो हम किसी पे तोपने का कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आप हमसे 2 लाख का 3 लाख का लेके चले जाइए और जाके आप भी बैठे रहिए। मेरा है कि आप सेल कीजिए और उस हिसाब से हमें वापस रिपीट ऑर्डर कीजिए, अभी मन लगा हुआ रहेगा और हमारे साथ भी काम करने में उनको अच्छा लगेगा। भाई अगर बाकी जगह पे आप 3 लाख 4 लाख का पैकेज ले रहे हैं, 4 लाख लेने के बाद उनका 2 महीना सेल नहीं हो रहा है, उनको भी लग रहा है कि सेल तो हो नहीं रहा है हमारा, तो उनके अंदर एक अविश्वास आ रहा है। हम लोगों ने क्या किया, ठीक है आप कम बजट में ले जाइए, उनको लगा कि नहीं अब जो है इसमें सेल हमारा ज़्यादा हो रहा है तो और पैसा हम इसमें डालें। तो जिनको आज हम 50,000 का माल दे रहे हैं कल वो 5 लाख का भी ले जा सकते हैं जी। लेकिन अगर जिनको आज हम 3 लाख का माल दे रहे हैं 5 लाख का दे रहे हैं, उनका सेल अगर नहीं हो रहा है उस हिसाब से, चूँकि वो 5 लाख लगाए हैं तो 5 लाख के हिसाब से सोचेंगे भी कि मेरा उस हिसाब से आना भी चाहिए जी। अगर उस हिसाब से नहीं आ रहा है तो 1 महीना 2 महीना में उनके अंदर जो है थोड़ा सा माइनस की ओर वो जाना चालू हो जाता है, उनका विश्वास जो है डगमगाना चालू होता है। अच्छा। फिर वो बंदी की ओर भागना चालू करते हैं या फिर दूसरे तीसरे जगह पैर मारना चालू करेंगे, अब ये बिजनेस बंद करेंगे दूसरा करेंगे। लेकिन अगर आप धीरे धीरे उनको मौका दे रहे हैं, 50,000 का माल ले गए, वो सेल किए तो लगा कि नहीं हम 50,000 का लाए थे तो 2 दिन के बाद ही मेरा खत्म हो गया था, तो इस बार जो है 2 लाख का माल ले लो, तो इस तरीका से हम लोग मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, न कि ऊपर से नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूं गाइस, कोऑर्डिनेशन कॉर्पोरेशन आपको सारा कुछ इनके पास से मिल रहा है, क्योंकि देखिए जब ये जब मसौढ़ी के लिए फ्रेंचाइजी है, शायद 50 to 60,000 का ही यहाँ पे अमाउंट पे करके वो सामान लेके जा रहे हैं। और तो मतलब मुझे लगता है कि एक अच्छा फ्रेंचाइजी एक बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि फ्रेंचाइजर अगर सिर्फ कमाने में लग जाएगा ना तो फ्रेंचाइजी कोई चलेगी नहीं। तो फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर दोनों को ये सोचना है कि कैसे हम अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करें। फ्रेंचाइजी नहीं सोच सकता है, ये केवल फ्रेंचाइजर ही सोच सकता है इस चीज़ को। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि मिनिमम से स्टार्ट करिए, ओनली 11,000 रुपये इनकी फ्रेंचाइजी फ़ी है। और उसके अंदर देखिए जैसा कि ये मधुब जी ने खुद टी शर्ट पहना हुआ है, ऐसा टी शर्ट मिलेगा, बैनर होर्डिंग सारा कुछ मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि आपका लॉस का सौदा होगा। कोई भी प्रोडक्ट जो इनके पास है इसमें से कोई भी प्रोडक्ट सड़ने गलने वाला नहीं है, एक्सपायरी डेट वाला कोई प्रोडक्ट नहीं है, अच्छी फ्रेंचाइजी है। और अच्छी फ्रेंचाइजी के साथ साथ अब चलते हैं इनके ऊपर, बात हो रही है लंबी, ऊपर चल के लेंगे इनके सैंपल हाउस में कुछ जानकारी। तो चलिए गाइस चलते हैं उनके सैंपल हाउस में। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए हैं जूनियर मॉल के सैंपल हाउस में, और यहाँ पे जो नए प्रोडक्ट आए हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि हमने एक डिटेल वीडियो यहाँ का बनाया हुआ है। अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं जो नए प्रोडक्ट इनके पास ऐड हुए हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी लेंगे। तो थोड़ा बताइए नया प्रोडक्ट कौन सा ऐड हुआ है। जी बिल्कुल, आइए हम लोग देखते हैं वन बाई वन जितना दिखा सके। जैसे ये थाल है,
ठीक है, ये नया हमारे यहाँ ऐड हुआ है जी। ठीक है, ये इसके बाद ये अपना परात है, बड़ा परात इसको बोलते हैं। हाँ। ये एक नया अभी हम लोग ऐड किए हैं। अच्छा। फिर ये भी हमारे पास नया अभी ऐड हुआ है। इस तरीका से बर्तन में अभी बहुत सारे आइटम हमने ऐड किया है। ये बड़ा टिफिन बॉक्स है। अच्छा। ठीक है, इस टाइप से ये है। अच्छा। फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा तो अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि ये प्रोडक्ट हो गया, ये प्रोडक्ट हुआ, चाहे ये टिफिन हो गया, ये कितना इसका अभी रेट है, कितने में मिलेगा? बिल्कुल, लोग स्टार्ट करें। टिफिन बॉक्स जैसे बर्तन में भी जो है हमारे पास सब अलग अलग रेंज के हैं जी। जैसे ये हमारे पास 80 रुपये का रेंज का है। अच्छा। इस रैक पे जैसे जो भी लगा हुआ है लगभग हम लोग 80 का रेंज का लेकर के चल रहे हैं। 80 का तो काफी अच्छा क्वालिटी है गाइस। देखिए यहाँ पे 80 रुपए के हिसाब से मुझे लगता है ठीक ठाक क्वालिटी है। ये और टिफिन बॉक्स है 3 पीस का। हाँ। ये भी 80 रुपए का है। अच्छा। ये गुल्लक है, ये 75 रुपए का है। अच्छा, ठीक है। इस तरीका से ये छलना वगैरह है। हाँ। और ये सब जो है 18 इंच में है। अच्छा, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको 75 के भी रेंज में मिलेंगे, लेकिन इंचेज का उसमें कमी रहेगा। अच्छा। वजन में कमी रहेगा। तो हम लोगों ने क्या किया है कि क्वालिटी पे ध्यान दिया है। अच्छा। क्वालिटी पे इसलिए कि कस्टमर जब तक क्वालिटी नहीं रहेगा, आप ला करके कुछ भी माल कुछ भी बेच दीजिए। मान लीजिए आप 50 का माल ला करके कोशिश कर रहे हैं 80 में बेच दें, तो इससे कुछ होने नहीं जा रहा है। अच्छा। इसलिए कि क्वालिटी प्रोडक्ट जो है आपको कस्टमर को किनना है, और जब उसको क्वालिटी सही लगेगा तभी वो आपके प्रोडक्ट में दिलचस्पी दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि आप 75 का प्रोडक्ट सिर्फ ला के दे दिए इसलिए कि रिटेलर को जो है 99 में सेल करना है, तो उनका जब कस्टमर खरीदेगा ही नहीं तो वो 75 में दे दीजिए चाहे 60 में दे दीजिए, उससे बहस नहीं है। बहुत सारे लोग बनाते हैं वीडियो, बोलते हैं 15 रुपये में है। 15 रुपये में आप क्या सामान दे रहे हैं, ये भी तो आप देखेंगे। तो इस हिसाब से रेट के ऊपर नहीं, साथ में क्वालिटी के ऊपर जाइए। मैं जितने भी लोग इस बिजनेस से जुड़ना चाह रहे हैं उनसे ये बोलूँगा कि क्वालिटी के साथ साथ रेट दोनों को देखिए। ऐसा नहीं है कि 75 के चक्कर में क्वालिटी ख़राब ले आइए या 80 ले रहे हैं और उस हिसाब से क्वालिटी नहीं है। ये दोनों चीज़ देखिए कि जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है वो रेट के साथ साथ उसका क्वालिटी सही है या नहीं है। जी। तो गाइस यहाँ तक इन्होंने दिखाया है, आगे और कुछ इनके प्रोडक्ट देखते हैं कि क्या है। जी। ये हमारा 65 रुपए का है। 65 का जी। और ये बिकेगा कितने में? ये 99 में। 99। हाँ, ये अभी मसाला कुटनी है। हाँ। ये 85 में मिलेगा, ये भी 99 में ही जाएगा। अच्छा। लेकिन ये सबसे ज्यादा बिकेगा। अच्छा। मतलब बर्तन आइटम में बात करें तो ये ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। रेट इसी पे ये बदलेगा कि कोई आइटम मान लीजिए स्लो निकलने वाला है, तो स्लो निकलने वाला है तो उसका रेट भी मार्केट से स्लो आ रहा है। कुछ आइटम जो है फास्ट निकलने वाला है तो उसका रेट भी तेज है, उस हिसाब से रेट हमारे पास। इसके बाद जैसे ये कढ़ाई का बात करें। हाँ। ये मात्र 75 रुपये का है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। इस हिसाब से फिर ये अपना तसला ही है, इसमें आटा वगैरह सालने के लिए काम देगा, गहरा तसला इसको बोला जाता है। ये भी 80 रुपये का है। 80 में है, 99 में है। ये फ्राई स्पेन हो गया। हाँ। ये भी आपको 80 रुपये में मिल जाएगा। अच्छा। ठीक है, इसमें आमलेट वगैरह फ्राई कर सकते हैं। ये हो गया। फिर ये जो है आपका छलना वगैरह हो गया, जैसे चाउमीन वगैरह अगर आप बना रहे हैं तो उसके लिए ही ये 55 रुपये में है। अच्छा। और ये भी 99 में ही सेल होगा। अच्छा। लेकिन चूंकि अभी हम जैसा बात किए कि क्वालिटी, तो इसमें दो तरह का आता है। हाँ। एक हैवी आता है और एक ये नॉर्मल है। तो ये हमारा नॉर्मल है। अच्छा, ठीक है। तो ये 80 का आएगा। इसमें इसी में सेम में हैवी भी है, हमारे गोडाउन में है वो भी। अच्छा। वो जो है 75 का आएगा। दोनों। अच्छा। में अंतर होगा, लेकिन सेल मान के चलिए आपके यहाँ क्या चल रहा है इसको देखना है। हाँ। हर जगह का मार्केट अलग अलग है। जी। इस तरह से हो गया। ये भी हमारा 80 रुपये का प्रोडक्ट है, कढ़ाई बोलते हैं इसको। हाँ। ठीक है। फिर ये अपना सस्पेंड हो गया। हाँ। 75 रुपये का मात्र। अच्छा। ये सस्पेंड में हमारे पास एक ये भी सस्पेंड है। हाँ। एल्युमिनियम का। हाँ। ये भी आपको 75 का मिलेगा। अच्छा। 99 में सेल होगा। फिर इसी के अंदर अभी हमारे पास एक और सस्पेंड होगा, ये अपना ये यहाँ रहा, ये मात्र 70 रुपये में आपको मिलेगा। अच्छा। और यही सस्पेंड बाकी जगह भी 80 रुपये में चल रहा है, कहीं कुछ भी चल रहा है, लेकिन हमारे पास ये 70 में मिलेगा। ये भी 99 में ही सेल होगा। जी। इस तरीका से ये टिफिन बॉक्स है 3 पीस का। हाँ। ये भी आपको जो है 80 रुपये में मिलेगा और 99 में सेल करना है। इसके अंदर 3 खाने हैं। हाँ। 1, 2 और ये 3। अच्छा, ठीक है। ये भी आपको 99 में सेल करना है। जी। इस तरीका से अभी नए आइटम में मान के चलिए हमारे पास सीनरी वगैरह और गिफ्ट वगैरह में आइटम बढ़े हैं। तो गाइस सीनरी और गिफ्ट ये भी बहुत देखना जरूरी है, बहुत डिमांड होती है, पब्लिक खरीदती बहुत ज़्यादा है। तो आप भी फ्रेंचाइजी स्टार्ट करेंगे तो इसको क्या रेट में बेचेंगे, कितना मार्जिन होगा, पूरा जानकारी फिर से लेते हैं। जैसे इधर से फोटो फ्रेम में चलते हैं तो हम लोग गणेश जी से शुरुआत करते हैं। जी। ये आपको जो है 75 का मिल जाएगा। जी। और ये भी 99 में सेल करना है। 75 का मिलेगा, 99। जी, बिल्कुल। ये हमारा सीनरी है। हाँ। ये आपको 80 सॉरी
ये हमारा 80 रुपए में मिलेगा। इसमें अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग वैरायटी मिलेगा, डिजाइन मिलेगा, और वो अपने अनुसार क्या आपके यहाँ सेल है, किस टाइप का है, उसके अनुसार ले जाइए। ये 80 रुपए में मिलेगा, 99 में आपको सेल करना है। ठीक है, ठीक है। इस तरीका से ये लाइट, ये लाइट से चलने वाला है। हाँ ठीक है, ये इस तरीका से है। अच्छा, चार्जिंग वाला लगा हुआ है। कितना खूबसूरत गिफ्ट आइटम है। इसका क्या रेट है? ये भी 80 रुपए का है। देखिए काफी अच्छा है, और आपका ये प्रोडक्ट जो है सब बिकने वाले हैं मार्केट में। डेली बेसिस पे लोग खरीदते हैं इसको, शादी में, पार्टी में, हर जगह गिफ्ट देने के लिए काम आता है। ये जो है हमारा 75 का है। हाँ। ये भी आपको 99 में सेल करना है जी। ये हमारा जो है 65 रुपए का गणेश जी है। हाँ। ये भी आपको 99 में सेल करना है। ठीक है, ठीक है। इस तरीका से कितने का गणेश जी? 65 का है और 99 में सेल करना है। ये भी प्रोडक्ट जो है आपको 38 रुपए में मिल जाएगा, और ये 49 में मात्र सेल करना है। 38 में मिलेगा 49 जी, में जैसा कि हम लोग 49 और से लेकर के 199 तक चल रहा है। इसी पे अभी हम लोग बात करेंगे, क्यों हमने 999 से चेंज करके 199 तक किया जी। इसी तरीका से ये एक प्रोडक्ट है, ये भी आपको जो है 70 रुपए में मिल जाएगा, और ये 99 में आपको सेल करना है। ठीक है, ये सब अभी हमारा जो आप देख रहे हैं ये नया ऐड हुआ है। अच्छा। इसी तरह से हमारा क्रॉकरी में भी बहुत सारा आइटम जो है ऐड हुआ है। जैसे ये आपका कप सेट है, ये कप सेट हमारे पास पहले से भी आता था। अच्छा। मॉर्निंग ड्यू के नाम से। अच्छा। और भी इसमें अलग अलग, जैसे कप सेट ही रहा, अभी वैरायटी का बात किए तो इसमें सेम नाम से ये मॉर्निंग ड्यू हो गया, तो ये कॉफ़ी ब्रेक हो गया, इस तरीका से अलग अलग नाम में आ गया। अच्छा। रेट सेम हो गया, 80 ही रह गया, लेकिन अलग अलग ब्रांड हो गया।